नमस्कार जी, मैं हूं महेश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है बाइसिकल रिव्यू इंडिया में, और फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नई साइकिल का रिव्यू लेके। तो ये है साइकिल हीरो मिग। जैसा कि साइकिल का लुक आप देख लीजिए कितना बेहतर है, और इस साइकिल का रिव्यू मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हीरो मिग लिखा हुआ है, हीरो कंपनी है, मिग इसका मॉडल है। साइज की बात करूँ तो ये है 26 साइज, और ये साइकिल दो साइज में आता है, एक 24 इंच और दूसरा 26 इंच MTB। इस साइकिल में क्या कुछ दिया गया है पूरा मैं आपको बताता हूँ। तो ये पहले बता दूँ कि 24 जो है वो 12 साल के बच्चों के लिए, और जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर है वो 26 के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल देख सकते हैं, सीट के ऊपर भी यहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास का डिज़ाइन दिया हुआ है, कलर बहुत अच्छे प्यारे वाले हैं, और काफ़ी ये मुलायम है, बैठने पर कम्फर्टेबल रहेगा। मिग यहाँ पे लिखा हुआ है सीट के ऊपर भी। पीछे यहाँ पे बात करूँ तो पीछे यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है रेड कलर का, जो कि सेफ्टी के लिए। पीछे आपको यहाँ पे कैरियर मिल जाता है। कैरियर का फ़ायदा ये है कि पीछे कभी कभी कोई बच्चा है साथ में तो भी बैठ सकता है, और 30 किलो तक इसके ऊपर कोई भी सामान रख के लेके जा सकते हैं। जैसे कई बार बच्चे को स्कूल जाना होता है, बैग लेके जाना है तो कंधे में भारी है, तो यहाँ पर आराम से रख सकता है। स्प्रिंग भी इसमें दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे सॉकर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि जो खड्डे पड़ेंगे तो इसमें झटके नहीं लगेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें स्प्रिंग भी दिया गया है ताकि कंफर्टेबल पूरा मिले। इसके साथ यहाँ पे स्टिकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। हैंडल में बात करें, हैंडल में क्या कुछ है, तो इसमें मेटल का हैंडल मिल जाता है, और पूरा ये फ्रेम मेटल का ही है, पूरा फ्रेम मेटल का है। निब बिल्डिंग के माध्यम से इसको बनाया गया है। हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्रिप मिलता है, जो कि पकड़ने में काफ़ी कम्फर्टेबल है। हैंडल आपको स्टील का मिलता है, TNT बार। लीवर जो है ब्लैक कलर के हैं, लेकिन ये अलॉय के हैं, और ये बॉडी इसकी PVC, और ये काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि पहले महंगी साइकिलों में आया करता था उसमें आता है ये। उसके साथ यहाँ पे हैंडल में भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको एक लाइट मिल जाता है, जो कि रिफ्लैक्स करता है, ये रिफ्लैक्स भी करता है लाइट पड़ने के पे। फ्रंट में आपको वाइट कलर का ये मिलता है। इसके बाद साथ में हम बात करें कि हैंडल में इसमें जो बैरिंग दिया गया है, इसको नया आया है ये, महंगी साइकिलों में एक थ्रेडलेस फोर्क आया करता था हैंडल, उसमें स्पोर्ट्स वाले बैरिंग आते थे, बहुत महंगे आते थे, लेकिन ये हमारे इंडिया ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसको हम लोग H+ टाइप बोलते हैं। इसमें कई फ़ायदे हैं, एक तो स्मूथनेस पूरा बढ़ जाता है, और उसके बाद इसकी लाइफ ज़्यादा है। उसके साथ ही इसका मेन बेनिफिट है कि पहले हैंडलों में शिकायत आती थी कि बार बार ये लूज हो जाया करता था, इसमें लूज नहीं होता है, और स्मूथनेस बहुत ही अच्छा मिलता है। तो बैरिंग ये भी बहुत ही अच्छी बात हो गई कि बैरिंग बहुत अच्छा हो गया। इसके साथ ही 2020 का मॉडल है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वीडियो रिव्यू में। इसके साथ ही हीरो की साइकिलों में एक पहले ये दिक्कत होती थी, जब रिपेयर करना था तो मैकेनिक को, तो ये नट खुलता नहीं था, इसके अंदर एक नट होता है वो ब्लॉक हो जाता था, तो इसकी लंबाई पहले कम हुआ करती थी, तो वो लंबाई अब बढ़ा दिया गया, जिसके कारण से वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगा कि पुराने होने पे रिपेयर करने पे मैकेनिक को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये बैरिंग, क्योंकि थोड़ी सी कीमत तो बढ़ती है लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसके साथ ही आपको इसमें सॉकर वाला फॉर्क मिलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको सॉकर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपको खड्डों में जंप में साथ देगा, अच्छा खासा जंप करेगा खड्डों में, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें डबल सॉकर है, पीछे भी है और आगे भी है। इसके साथ ही यहाँ पे फ्रंट में आपको मडगार्ड मिल जाता है, जो कि मेटल का है। इसमें पावर ब्रेक मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर ब्रेक। टायर मिल जाते हैं इसमें आपको, कलर वाले टायर मिलते हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा है। नॉर्मल ट्यूब दिया गया है, फ्लिप टाइप हब मडगार्ड के साथ देता है। स्पोक में भी आपको, व्हील में भी येलो कलर के रिफ्लेक्टर दिए जाते हैं सेफ्टी के हिसाब से देखते हुए। टायर की मैं बात करूं तो इसमें टायर दिया गया है मेट्रो कंपनी का, जो कि नॉर्मल टायर है, काफ़ी ठीक है, क्योंकि प्राइस भी कंट्रोल करना है कंपनी को। पीछे आए के देखेंगे, पीछे भी आपको पावर ब्रेक मिलता है। इस ब्रेक का फ़ायदा यह है कि छोटे बच्चे कई बार चलाते हैं तो पैर हाथों से जोड़ नहीं लगा पाते हैं ज़्यादा, तो क्लच जो होते हैं इसके ब्रेक के क्लच, वो काफ़ी मुलायम होते हैं। एक छोटा सा बच्चा दो फिंगर से भी दबाएगा तो इसमें पूरा ब्रेक मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे एक मैं चीज़ बताना भूल गया कि अगर बच्चे को हाइट ज़्यादा करना हो तो इस सीट को यहाँ से नट लूज करके 4 इंच तक इसका हाइट ऊपर लेके जा सकते हैं,
इसका 4 इंच सीट का हाइट बढ़ाया जा सकता है जरूरत पड़ने पे। चैन कवर देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे ड्रेस ना ख़राब हो उसके लिए चैन कवर दिया गया है। बकायदा यहाँ पे स्टिकर दिया गया है मिग, साथ में लिखा हुआ डी एस के यानी डबल सॉकर, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। चैन बिल इसमें दिया जाता है नॉर्मल, लेकिन अच्छी बात यह है कि बेंड क्रैंक के साथ में है तो कभी भी इसमें स्क्रैच नहीं आएगा, जो कि पुराने मॉडलों में होता था कि स्क्रैच करने लगता था चैन मिल का क्रैंक इसके साथ में। पैडल की बात करूं तो इसमें पैडल काफ़ी अच्छा दिया गया, पैडल वाले ही हैं, प्लास्टिक वाले पैडल हैं। नॉर्मल इसमें आपको चैन मिल जाता है, 80 तीत का इसमें पीछे आपको फ्री व्हील मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने एक चेंज किया है कि पहले हीरो की साइकिल जो होती थी पुराने मॉडल उसमें बार बार चैन लूज होने की शिकायत रहती थी, तो इन्होंने 2020 में अपडेट कर दिया है। जो चैन इनकी 500 किलोमीटर पर लूज होती थी अब वो 700 किलोमीटर पर लूज होगी। लूज तो होगी ही होगी, लेकिन पहले जल्दी लूज होती थी, 500 किलोमीटर पर हो जाती थी, वो थोड़ी अजीब सी बात थी, अब वो 700 किलोमीटर पर होगी, तो 250 किलोमीटर का आपको ज़्यादा अच्छा हो गया। उसके साथ ही जो चैन में पहले हीरो की साइकिल में एक ये शिकायत रहती थी कि चैन में कटकट की आवाज़ आती थी, 2020 में इस कटकट के आवाज़ को ख़त्म कर दिया है हीरो वालों ने, तो बहुत ही अच्छी बात है अपडेट के साथ। और उससे भी अच्छी बात क्या है, साइड स्टैंड इन्होंने पहले इनका यहाँ फिट होके आता था तो वो उतना अच्छा नहीं रहता था क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होता था, उतना कम्फर्टेबल नहीं रहता था, लेकिन अब इन्होंने यहाँ फिट कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा साइड स्टैंड है जो कि कंफर्टेबल है और लॉन्ग लाइफ है। सेम मॉडल में एक दूसरा भी आता है चाइना का भी साइड स्टैंड, लेकिन उसका लाइफ नहीं है क्योंकि कुछ लोग ऐसा स्टैंड देखे हो कहते हैं कि टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है। जितना इसका साइज है इसके अंदर भी ये इसके अंदर में ये रॉड गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा साइड स्टैंड है। अब ये साइकिल का कहाँ पर क्या कुछ दिया हुआ है मैंने सब कुछ रिव्यू में आपको बताया, तो एक लो प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के हिसाब से साइकिल को कंपनी ने बनाया है, बहुत अच्छा साइकिल बनाया है। जहाँ पे बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ कमी भी होती है, तो मैं जो भी साइकिल का रिव्यू करता हूँ उसकी अच्छाई और कमी दोनों चीज़ें बताता हूँ। तो ये साइकिल में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, बहुत बेहतर साइकिल है और लो प्राइस में। इस प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, वीडियो में क्या कुछ दिया गया है, साइकिल में क्या कुछ दिया गया मैं सारा कुछ इस वीडियो में बता चुका हूँ। साथ ही बात करूँ कमी की, तो जब भी आप लें तो यहाँ पे देख लें कि ये जो मडगार्ड दिख रहा है इसके सेंटर में आना चाहिए। 100 साइकिल में से एक या दो साइकिल ऐसा आ रहा है जिसका वो सेंटर आउट है, तो वो है तो आप साइकिल खरीद रहे हैं तो वहाँ पे देख के खरीदें, क्योंकि 100 में से एक दो में दिक्कत आ रही है। तो जो कमी है मैंने आपको वो भी बता दिया, बाकी साइकिल में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। कम खर्च में इसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत कम आता है और काफ़ी बेहतर साइकिल है, क्योंकि ब्रेक इसमें मिल जाता है पावर, तो सेफ्टी आपको बहुत अच्छा मिलता है, खड्डों में झटके नहीं लगेंगे, ये भी एक अच्छा। मजबूती के मामले में कोई शक नहीं, काफ़ी मजबूत साइकिल है, लॉन्ग लाइफ साइकिल है। ये रहा वीडियो साइकिल का पूरा रिव्यू मैं आपको दे चुका हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।